आई बापा चिल्लारा चिली कमी नारी चोली पिवली बोली सलई हंजीरी सारी मी ढोल ये कश्ती वाली क्या गा रही है चप्पू चलाकर हमें बुला रही है कहाँ बुला रही है कोंकण नमकीन समुंदर में पिघलती हुई शाम मसालेदार मच्छी और खट्टे मीठे आम इस कश्ती का किनारा है कोंकण का सदर्न मोस्ट कोस्ट वेंगुर्ला मैं सोनाली कुलकर्णी और मैं कुलाल विजयकर लेकर आ रहे हैं महाराष्ट्र को देखने सुनने और चखने की अनोखी टिप्स महाराष्ट्र ऑन माय लिप्स वेंगुर्ला महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड सिंधुदुर्ग बोस्ट्स ऑफ इट्स मैंग्रोव कवर्स हैज बीन द रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड होस्टिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना रिकॉग्नाइजिंग द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैंग्रोव बेल्ट स्वामिनी ग्रुप अ ग्रुप ऑफ 10 वुमेन हैव टेकन इट अपॉन देमसेल्व्स टू रेज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट द मैंग्रोव्स ऑफ द मानेरी क्रीक ऑफ सिंधुदुर्ग 2004 में केरल में जब सुनामी आई थी तब वहाँ पूरे एक एक गांव नष्ट हो गए उस सुनामी में और जहाँ जहाँ मैंग्रोव के पेड़ थे वहाँ वहाँ आपत्ति कम हो गई लोकल वुमेन फ्रॉम वेंगुर्ला हैव टेकन इट अपॉन देमसेल्व्स उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ये जो पूरी नैसर्गिक संपत्ति है उसे प्रोटेक्ट करें इसी तरह से आई एम श्योर और बहुत से प्रोजेक्ट्स इंस्पायर होंगे नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र और इंडिया बट वर्ल्ड वाइड हर दिन एक नया बर्ड्स दिखने मिलता है ग्रे हेरोन है नाइट हेरोन है पॉन्ड हेरोन है ब्लैक हेडेड आइबिस ब्लैक आइबिस ऐसे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं ये एक अन्न साखली तैयार होती है फूड चेन इसके पत्ते जो सूख के मतलब खराब होके पानी में पड़ते उसके अंदर कीड़े तैयार होते कीड़े खाने के लिए मच्छी आती है मच्छी खाने के लिए बर्ड्स आते हैं और बर्ड्स देखने के लिए आप जैसे टूरिस्ट आते हैं तो एक चेन तैयार होती है ये जैसे आपके जो ये बड़े बड़े पक्षी बर्ड्स भटक भटक के खाना ढूंढ रहे हैं वैसे हम दोनों भी दो दूर देश से आए हैं भटकते भटकते आए हैं हमें भी थोड़ी थोड़ी बहुत भूख लग रही है आपको थोड़ी और मुझे बहुत लग रही है और हमने सुना है कि इनके हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ हंस रही है चलो भूख लगी है क्या नहीं चलो खाते हैं वही जो लेडीज हमें ले गए वही ये खाना भी बनाती है ये टिपिकल कोकणी स्टाइल ब्रेकफास्ट है इसे कहते हैं घावणे एंड इट्स चटनी दिस चटनी इज मेड ऑफ कोरिएंडर मिर्ची खोबरा खोबरा इज द मेन एलिमेंट व्हिच इज कोकोनट एंड आला लहसुन ऑफ कोर्स व्हिच इज योर गार्लिक एंड जिंजर एंड नींबू इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच गिव्स इट अ लिटिल बिट ऑफ टैंगी फील एंड इट्स डिलीशियस बिकॉज़ ये जो चटनी है वो फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट से बनाई हुई है तो एक फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट समुंदर और कोंकण इनका नाता तो हम सब जानते हैं सो यहाँ के ये चौकोनी पाव मतलब स्क्वायर रेक्टेंगुलर पाव्स आर वेरी पॉपुलर एंड दे हैव दिस उसल विद द पाव्स मैं आपको सीक्रेट बताऊं किसी भी तरह का पाव आप मुझे दो मुझे अच्छा लगता है आई एम अ पाव मैन ये जो काला वटाना है सूखे मिलते हैं उसको भिगोकर ओवरनाइट रखते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे चना होता है वैसे ही और इसे पकाया जाता है मालवणी गरम मसाले में जिसमें कोकोनट जाता है और सब पूरे गरम मसाले एंड दैट मिर्ची बेडगी मिर्ची बेडगी मिर्ची दैट मेक्स मालवण मसाला व्हाट इट इज व्हाट इट इज एवरीथिंग एल्स
एंड वन मोर थिंग, हमारे प्लेट में कुछ अलग से दिख रहा है. शिरवाड़े. सो दीज आर राइस नूडल्स. और ये जो है ये है नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क, जिसके अंदर गुड़ है थोड़ा सा, विच गिव्स इट अ स्वीट फ्लेवर. और इलायची है और है हल्दी. ये सिर्फ मालवण में, वेंगुर्ला में आपको खाने को मिलेगा. सो इफ यू आर इन वेंगुर्ला, यू हैव टू ट्राई दिस फॉर योर ब्रेकफास्ट. आपने कभी सोचा है कि ब्रेकफास्ट खाके हम सो जाएं? Why don't we go to a beach and then just chill there? साफ सुथरी रेत और आइसोलेटेड बीचेस. यहाँ बहुत सारे बीचेस हैं ऐसे जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जैसे ये सागरेश्वर बीच. इट्स अ हिडन जेम. Look what I found. Oh, it's a coin. Lovely. Chalo, let's make a wish. Okay. मैंने आई डिड नॉट मेक अ विश. क्यों? यहाँ आकर मेरी पूरी विशेस ट्रू हो गई है. सुरू और मात की थिक ट्री कवर के बीचों बीच छुपा है कौलारू छत वाला, मतलब कोंकण स्टाइल की उतरती छत वाला और रंगीन दीवारों से सजा हुआ ये सागरेश्वर टेंपल, जो कि वेंगुर्ला का एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है. और वेंगुर्ला और सागरेश्वर मंदिर का रिश्ता जो है चला, वो अटूट है. वेंगुर्ला के बीचेस बहुत पॉपुलर है, मैंग्रोव्स पॉपुलर है, बैक वाटर पॉपुलर है, और एक चीज पॉपुलर, खाना. खाना तो पॉपुलर है ही बाबा, आई नो आप हो साथ में तो खाना तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा एक चीज है वो बहुत पॉपुलर है, इट्स लाइक वर्ल्ड फेमस. यू नो व्हाट? व्हाट? दिस हाउस दैट यू सी इन द बैकड्रॉप. रियली? ये कम से कम 100 साल पुराना है और इसी घर के पीछे कैजू की फैक्ट्री है. हमने सुना है कि इंडिया का सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी कैजू यहीं से जाता है. यस, इट्स इन वेंगुर्ला. है ना? तो यार अपेरेंटली कैजू की जो ग्रेडिंग होती है V1 to V7, इट इज नेम्ड आफ्टर वेंगुर्ला. यस, इट इज नेम्ड आफ्टर वेंगुर्ला. इट वॉज रिसर्च इन वेंगुर्ला, वेंगुर्ला 1 टू वेंगुर्ला 7. लेकिन वो कैशू का एप्पल से सीड निकालने के बाद खाने लायक कैसे हो जाता है कैशू? देखो ये सीड निकालते हैं, उसको अपन सन ड्राई करते हैं, स्टीम किया हुआ है, और उसके बाद से अभी उन कट करने के बाद वो स्कूप आउट कर रहे हैं. मैं नहीं जानता था कि काजू खाने तक इतना बड़ा प्रोसेस होता है. काजू लाडू भी है, बहुत सारी वैरायटी है अपने पास. And I want to try that roasted काजू. Yes, roasted काजू भी टेस्ट करते हैं. तो चलिए. तो जैसे खाने खिलाने की बात हो गई मिसेस सामंतिया की, क्योंकि उन्होंने हाथ से बनाकर लाया है ये, तो मैं चखने वाला हूँ इसे. ओके, पहले काजू कटी आप लोगी? मुझे लगता है ये वाला आप खाइए, मैं रोस्टेड वाला ट्राई करती हूँ. चलो मैं ये खाता हूँ. काजू कटी. और काजू लाडू भी ट्राई करिएगा. काजू लाडू करूंगा ना, ये मैं पहली बार देख रही हूँ. काजू के लाडू. तो ये किसके साथ बनता है? शुगर से बनता है.
आपको क्या लगा लाडू किससे बनता है? मुझे लगा चटनी के साथ। बट अभी आप उधर काउंटर के यहाँ पे खड़े हैं तो भाव कैसे दिले काजू? सुरमई अखियों में। वो आई लव सुरमई फ्राई। स्पेशली अगर आप बेंगलुरु में कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी, तो यू कांट एस्केप द ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस ऑफ फिश एवरीवेयर। और एवरीवेयर देयर आर लाइक दीस स्मॉल खाना वर्ज और रेस्टोरेंट्स, तो आपको ज्यादा सोचने की ढूंढने की भी। और जो खाना मिलता है वो घरगुती यानी होममेड स्टाइल मिलता है ना? और एक और चीज है जो वेंगुरला में या बालवन में फेमस है, कोमड़ी और वड़े यानी चिकन मसाला कुक विद कोकोनट एंड वड़े। सो बेसिकली दिस इज लाइक द वैरायटी, कोमड़ी वड़े सुरमई फ्राई। ये जो है उसे जवड़ा कहते हैं, छोटे 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 प्रॉन्स होते हैं। ओह आई लव सुरमई, आई कैन सी दैट। आई थिंक अब भी ताजी ताजी फिश पकड़ के लाई है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, सुबह से सोनाली जी सुरमई के बारे में ही बात कर रही है, अब भी जाकर उन्हें मिला है सुरमई। ट्राई कीजिए ना थोड़ा सा। आहा, तो अब ये वेंगुरला का खाना तो हम खाएंगे ही, लेकिन थोड़ा इनडेप्थ वेंगुरला के बारे में भी देखते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमने चख तो लिया, अब थोड़ा देखते और सुनते हैं। गुड आइडिया, यू आर वेरी क्लेवर। बचपन से वी आर नाउ एंटरिंग आवर फेमस वीर स्वातंत्र्यवीर सावरकर कला दालन। इस कला दालन में वेंगुरला, पर्टिकुलरली वेंगुरला तहसील एंड सदर्न कोकण का जो रीजन है उसमें जो पर्टिकुलरली फेमस कोकण की संस्कृति उनका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर है। अलग अलग जो टेम्पल्स जो है उनकी प्रतिकृतियाँ यहाँ बनाई हुई है। वेंगुरला इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट जेटीज ऑफ इंडिया। दीज आर सम ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज, मंगेश पाडगावकर, जयवंत दळवी और सुनील गावस्कर। क्रॉफर्ड मार्केट इन मुंबई, उसका ओरिजिनल मॉडल जो मिनिएचर मॉडल है जो आपने देखा क्रॉफर्ड मार्केट, ये है वेंगुरला का क्रॉफर्ड मार्केट। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वेंगुरला में इतना हेरिटेज, इतनी हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो वी सी रिफ्लेक्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आई एम वेरी इंप्रेस्ड। और मैं एक्चुअली जो जो कुछ हमने सिर्फ यहाँ पे मॉडल्स में देखा है वो मुझे रियल में जाके देखना है। सो शुड वी जस्ट गो एंड सी अ फ्यू प्लेसेस? लेट्स गो। जिथे सागरा धरणी मिळते तिथे तुझी मी वाट पाहते। जिथे सागरा Oh God, this is beautiful. तो हमारे सामने ये जो सी फूड का स्प्रेड लगा हुआ है, This is not a restaurant. Tell them. Yeah, I'm very proud to say कि हम लोग होम स्टे में हैं, यहाँ आप रह भी सकते हैं और ऐसा खाना बनवा भी सकते हैं। घर का खाना, that's the pure actually thought behind it. चलो शुरुआत करते हैं। किससे शुरू करें? क्योंकि it's like मैं बोल रहा हूँ कि ये देखिए, ये बड़ा सा क्रैब है। हाँ। वहाँ से शुरू करें? मुझे समझ नहीं आ रहा खेकड़े को अप्रोच कैसे किया जाए। मैं आपको मदद करता हूँ। चलिए, let's go. यहाँ से ये पहले ये ऊपर का निकाल देते हैं इसका। Oh, the shell goes. चलो,
स्टफिंग आहे बघ आतमध्ये. दिस इज लाईक ऑलमोस्ट रेडी टू ईट. मैं तो अरे अरे यहाँ से लू क्या, यहाँ से लेता हूँ. व्हाट इज दिस दिस बिग मीट पोर्शन ये जो बीच में है. आई एम ट्राइंग टू टेक दिस फांगड़ा. मराठी में फांगड़ा कहते हैं. यूजुअली ऐसे पक्कड़ से खाते हैं. हाँ लेकिन हमारे दांत है ना. I want to see how you eat. Was that your tooth? और ये लॉलीपॉप जैसा आ गया बाहर. और फिर? I want to try that. Try it. Wait. That's easier. Okay. Look at that. But it's a whole chunk of flesh. हाँ. Which you can eat quite happily. यहाँ भी मिल जाएगा. Oh my God! Mm. This is like the softest meat I've ever had in my life. और ये melt हो रहा है. और एक बात है इन खेकड़ों की या इन क्रैब की मसाला तीखा है लेकिन इसका जो flesh है वो मीठा है. Why is that? Because crab is actually a sweet tasting fish. I've moved on to the fried prawns. क्या ये कंपटीशन लगी है क्या कि कौन क्या खा रहा है जल्दी? मुझे बहुत भूख लगी है. अच्छा कंपटीशन नहीं लगी है, भूख लगी है. इसकी खासियत ये है कि ये प्रॉन जो है उसके सर के साथ फुल प्रॉन है और इसके अंदर जो मीट है वो भी बहुत टेस्टी है. सो हाउ डू आई ईट दिस बिग पीस नाउ? अच्छा ईट द प्रॉन, निकाल दो शेल उसका निकाल कर. अभी ये पूरा फ्रेश है. सॉरी गाइस, आप लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है. नो बट दिस इज अमेजिंग एंड सॉरी दैट वी जस्ट ईटिंग. हम लोगों ने काजू देखा ना सुबह को, ये काजू की करी है, फ्रेश काजू की करी. ओके एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी लोकल वेंगुर्ला स्पेशलिटी. हम दोनों एक्चुअली राइस की भाकरी के साथ खा रहे हैं, which is again a very very कोंकण मालवण thing. Because इस कोंकण में कोकोनट, समुंदर और चावल. तीसरे आया इस एरिया में नहीं शिम्पल्या बिल. शिम्पल्या. शिम्पल्या इज आल्सो शेल्स. हाँ. मैं कन्फेस कर दूं कि मुझे हर शेलफिश से बहुत प्यार है, क्रैब से, प्रॉन से, लेकिन तीसरे से सबसे ज्यादा प्यार है. Does that make you a selfish person? ये अभी असली मालवणी, असली वेंगुर्ला का खाना हो गया. दिस इज ट्रूली महाराष्ट्र ऑन माई लिप्स. क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा. जरूरी है कि हम उसे मिले जिन्होंने ये खाना बनाया. Absolutely. है. बजाइए, बजाइए, बजाइए तालियां. सब सब बजाओ, 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 बजाओ. आइए, 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 आइए. तुमसा जाहिर सत्कार. ताई, काय बोलू मी, काय बोलू. खरच खरच तुमच्या हातामध्ये जो गुण आहे, आपकी उंगलियों में जो गुण है, और एकदम घर जैसा खाना. ये होमस्टे की आइडिया और यहाँ पर लोगों को, गेस्ट को अपने हाथों से खाना बना के खिलाना. हाँ. ये आइडिया कहाँ से आई? मेरे पति से. अच्छा. उन्होंने ये सब कुछ बनाए. हम उनको कैमरा पे बुला लें? हाँ बुला दे, बुला रहे कहाँ. या साहेब, या नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते, आइए आइए. तो ये होमस्टे की फैमिली कम्प्लीट हो जाती है. विजय जी, मैं आपको दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सवाल पूछने वाली हूँ. ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सृष्टि जी के हाथ की सबसे ज्यादा पसंद है? ऐसा कौन सा खाना या कौन सी रेसिपी या कौन सी डिश? ये हम लोग को प्रॉन्स करी अच्छी लगती है. अच्छा, ये तो बहुत इजी आंसर था. मुझे लगा बहुत सोचेंगे क्या, क्योंकि हम लोगों को अगर आप ये सारे डिशेस में से एक चूज करने बोले तो हम दोनों तो कर ही नहीं पाए. अब मैडम थोड़ा ये डाइजेस्ट करते हैं अभी खाना. चलो करते हैं. क्या करते हैं? आई थिंक शतपावली करते हैं. शत मतलब 100, पावली मतलब स्टेप्स. और मैंने सुना है कि अंधेरे में, रात में कोंकण या मालवण घूमना एक अलग ही टाइप का एडवेंचर है.
आपको सुनाई दिया? हाँ, क्या है वो? भूतों की आवाज? नहीं नहीं, I'm kidding. कुछ ऐसा अब फोक म्यूजिक टाइप्स नहीं सुनाई दे रहा है? या ढोलका, पेटी, झान, आई थिंक कुछ परफॉर्मेंस हो रही है वहाँ. देखे, चलो जाते हैं. चलो. यहाँ फोक थिएटर हो रहा है. सभी एक्टर्स, पहले तो सब मेल मर्द है जो फीमेल रोल्स भी कर रहे हैं और खुद का मेकअप कर रहे हैं, अलग अलग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और हमें ये देखना चाहिए. मैंने दशावतार के बारे में बहुत सालों से सुना था लेकिन देखने का कभी मौका नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा. ये लोग माइथोलॉजिकल स्टोरीज इनके प्ले के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, गांव गांव जाके परफॉर्म करते हैं. हर टाइम आई थिंक अलग अलग स्टोरीज होती होंगी. आई एम वेरी फैसिनेटेड टू नो कि आज क्या स्टोरी होगी. तो मराठा कौन है का? मराठा की एक मराठा सूर्या जी. ये तो Our Konkan adventure doesn't end here. The Konkan coast, which was undiscovered by tourists for a very long time, ab ek thrilling adventure destination ban chuka hai, thanks to Maharashtra tourism. Hum ye kinara explore karte rahenge. Until then, we have Dashavtar in our hearts and Maharashtra on our lips.